अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सोचो ना कि हम ये काम कल कर लेंगे, लोगों को ये लगता है कि रात के 2:30-3 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ, मैं काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो सुबह इस टाइम तक, सुबह 5 बजे से लेके इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। हेलो दोस्तों, बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही थी कि आप इतना लेट नाइट तक जगते हो, इतना लेट नाइट तक जगते हो। एक्चुअली मैं सुबह रात लेट नाइट तक लाइव करती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरा काम चल रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा टाइम जो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ। वो भी सुबह के 2-4 घंटे का ही वीडियो मैं बना पाई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सुबह मेरे बच्चे चले गए हैं, बच्चे जाने का मतलब होता है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, मैंने उनके लिए सब्जी काटी, पराठा बनाया, दूध गर्म किया, नाश्ता दिया, टिफ़िन बनाया, और जो चोटी वोटी करनी होती है थोड़ा बड़ा काम करके। फिर अब जब वो चले गए हैं तब मैंने बिस्तर झाड़ लिए हैं, बिस्तर सही कर लिए हैं, टेबल वगैरह गंदी होती है टेबल पोछ ली है, और अपने लिए चढ़ा दी है चाय। चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। चाय चढ़ाने के बाद मैं एक तरफ पहले का मैंने साफ़ कर लिया था, कपड़े जो रात में हम छत से उतार कर लेके आते हैं शाम को, कभी कभी मैं शाम को तहा लेती हूँ, कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं उनको सुबह तहाती हूँ। तो ये कपड़े उपड़े तहा कर मैंने रख दिए हैं, और अब मेरा खुद का 2-5 मिनट का जो मेरा टाइम होता है ये मेरा फेवरेट टाइम है। अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर मैं सुबह जो चाय पीती हूँ, ये टाइम मेरा पूरे दिन के टाइम में सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम, चाहे मैं 5 मिनट ही बैठूं। उसके बाद कल बाज़ार थी तो बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आए थे, तो सब्ज़ी मैं थक जाती हूँ बाज़ार से लेकर आने में, और रास्ते में कीचड़ वगैरह भी बहुत है, तो सब्ज़ी ऐसे ही रखी हुई थी मैंने, सब्ज़ी डलिया में आलू प्याज और जो फ्रिज में लगाने वाली थी, फ्रिज में जो भी सब्ज़ी जहाँ लगाने वाली थी वो सारी सब्ज़ी झोले खाली किए, झोला थैला अपनी जगह पर रखा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा कर आ गए थे, तब तक तो मैंने इनके लिए बनाया नाश्ता। नाश्ते में मैं इनको सुबह मूंग का हलवा बना कर देती हूँ, मैक्सिमम बना देती हूँ, कभी बाय चांस होता है कि नहीं बना पाती हूँ या कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो खा लेते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मूंग की दाल का हलवा बना दूँ। बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, ईज़िली खा भी लेते हैं और सेहतमंद भी होता है। इसका पूरा वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर विज़िट कर लेना। दरवाजे कोई गेस्ट आ गया था तो उसके लिए मुझे दोबारा चाय बनानी पड़ी, इनके लिए हलवा बनाया था तो इन्होंने चाय के लिए मना कर दिया, तो सिर्फ़ 1 कप चाय मुझे फिर से दोबारा बनानी पड़ी। उसके बाद मैंने चाय दे दी, अब मैं झाड़ू लगा लूँगी घर में। झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा लगाना है, बट कभी कभी मैं पोछा पहले लगाती हूँ और कभी कभी मैं पोछा बाद में लगाती हूँ, जैसे कि बच्चे आ जाते हैं तब, या फिर मैं थोड़ा जल्दी आराम करके उठ गई तो अभी मैं झाड़ू लगा कर नहाने कर आ गई हूँ। नहाने के बाद अब मैं पूजा मेरे घर में सुबह मेरे हस्बैंड और बच्चे कर देते हैं, क्योंकि शालिग्राम है और शालिग्राम हमारे यहाँ पे औरतें नहीं नहलाती हैं, नहलाना ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, क्या नहीं नहलाती हैं। तो मैं सिर्फ धूप बत्ती जलाती हूँ तुलसी जी के लिए, और तुलसी पर जल चढ़ाती हूँ, सूर्य भगवान पर जल चढ़ाती हूँ, और भगवान के पास सुहाग वगैरह लेकर सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो ये मेरा पूजा का टाइम रहता है, बाई चांस कभी कोई नहीं करता है तो फिर मैं कर देती हूँ, और उस पर भी कंडीशंस होती हैं कि शालिग्राम बच्चों से ही नहलाती हूँ, चाहे टाइम से थोड़ा लेट लपेट ही हो जाए। तो अभी मैं दीपक सुबह जल ही चुका है, बार बार नहीं जलाया जाता है, जल बार बार नहीं चढ़ाया जाता है, तो दीपक धूप बत्ती में जला दूंगी तुलसी के लिए, और तुलसी के लिए धूप बत्ती जलाने के बाद फिर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं फ्री हो गई हूँ तो जी बिल्कुल नहीं, अभी मेरा काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। सुबह के इतने सारे काम करने के बाद ये तुलसी जी हैं हमारी, इनको मैंने जल अर्पण कर दिया है, ऊपर मेरे यहाँ सम्मी का पौधा रखा हुआ है मैंने उसको जल चढ़ा दिया है। अब सूर्यदेव की बारी, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ऊपर ही जो कपड़े गीले रह जाते हैं उनको अंदर डाल देते हैं, तो वो कपड़े मैं बाहर डाल देती हूँ धूप में, ताकि 1-2 घंटे अगर मैं जब तक काम करूँ थोड़ी इनमें धूप लग जाए, और कपड़ों में धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे बारिश हो चाहे ऐसे भी, अदरवाइज़ उनके बैक्टीरिया नहीं जाते हैं, तो कपड़ों में धूप ज़रूर लगनी चाहिए। अब इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। इतना काम करने के बाद भी मुझे सुकून नहीं रहता है। सुबह के 1.5-2 घंटे तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए, मतलब जो बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाना, आटा सानना, पराठा बनाना, वो सब तो मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। लोग बोलते हैं कि सुबह झाड़ू लगानी चाहिए जल्दी, हाँ लगानी चाहिए और बहुत अच्छा माना जाता है, पर मैं सिर्फ किचन में सुबह जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की पंचुअलिटी होती है। और 5 पराठे रखे दे रहे हैं,
चार पराठा तो लड़का खा दी है, कहे नहीं खा पाऊ, खा ले गुरु। पंछी अकेला बैठा देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी ले हेलो गाइस, सुबह के इतने सारे काम निपटाने के बाद और पूरे एक तरीके से निपटे भी नहीं है, अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, पोछा मैं कभी कभी बाद में लगाती हूँ और कभी कभी मेरा मन करता है ना तो मैं नहीं भी लगाती हूँ, तो अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, बर्तन धुलने हैं, अभी फिलहाल मैं बना लूंगी अपने लिए पराठे दो और खा लूंगी, उसके बाद फिर मैं करूंगी रेस्ट, फिर मैं उठूंगी जब मेरे बच्चे आएंगे, जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तब मैं फिर उनके लिए गरम गरम पराठा बनाऊंगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी, बर्तन धुलूंगी और कपड़े मशीन में लगाऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे है, अगर मैं आज कपड़े धुल दूंगी तो कल अगर बारिश वगैरह भी हुई तब भी कपड़े आजकल में सूख जाएंगे और मैं कल शाम तक प्रेस भी कर लूंगी। अगर मैं कल के भरोसे रही तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सोचो ना कि हम ये काम कल कर लेंगे, मेरे यहाँ लाइट ही नहीं रहती है, तो फिर बिना लाइट के कपड़े धोना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ना प्रेस ही पॉसिबल हो पाएगा, तो आज अगर मैं धुल लूंगी तो आज से कल तक तो लाइट रहेगी ही रहेगी, प्रेस भी हो जाएगा और सूख भी जाएंगे, धुल भी जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरा एम जो है वो यही है, ये है मेरी दिनचर्या, ये है मेरा रूटीन, रात के बहुत देर तक मैं लाइव रहती हूँ ना तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे मैनेज करती, कैसे सोते, तो ये है मेरा रूटीन सुबह का, मतलब एक डेढ़ घंटे का जो होता है ना टाइम मेरा, 5:30 बजे से या 6 बजे से 7 बजे तक का जो मेरा टाइम होता है उसको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है, उसको सुबह सब्जी कभी कभी मैं रात में काट के रख देती हूँ, कभी कभी नहीं काटती हूँ तो फिर सुबह काटनी पड़ती है, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, बच्चों के लिए दूध गर्म करना, बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ का रूल है ना जो वो ये है कि अगर नाश्ता जो चीज कर ली वो टिफिन नहीं जाएगा, मेरे हस्बैंड का यही है, वो बोलते हैं कि भिंडी इनफ लेके आया करो जो सुबह नाश्ते में बन जाया करे, टिफिन ना बने उसका, तो इस वजह से मुझे उनको हलवा बना के टिफिन में देना पड़ता है ताकि लंच में कुछ डिफरेंट हो जाए, और रोज रोज एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप ग्रेवी वाली सब्जी, फिर मेरे लिए डबल डबल पड़ जाता है कि मैं बच्चों के लिए सूखी सब्जी बनाऊं, इनके लिए ग्रेवी वाली बनाऊं, जैसे बच्चे नहीं जाने वाले होते तब तो फिर मैं दाल चावल जो भी ग्रेवी वाली या तो सब्जी मैं कुछ बना देती हूँ, पर जब बच्चे जाने वाले होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए तो सूखी सब्जी चाहिए लंच में। तो ये है मेरा डेली का रूटीन, जिन लोगों को ये लगता है कि रात के 2:30-3 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ, मैं काम कैसे मैनेज करती हूँ, तो सुबह इस टाइम तक, सुबह 5 बजे से लेके इस टाइम तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, अब मैं चाहे कुछ करूं चाहे ना करूं, चाहे मैं सो जाऊं, अब मेरे पास 1 बजे तक का फ्री टाइम होता है, 1 बजे तक मैं अब मेरा मी टाइम जो बोलते हैं ना, मेरा टाइम वो टाइम होता है, इसीलिए जब तक ये रहते हैं मैं कपड़े दहाना, झाड़ू लगाना, नहाना और छोटे मोटे जो बर्तन पड़े होते हैं मैं निपटा लेती हूं, ताकि फिर ये ना रहे कि पूरा सारा काम पड़ा है, अगर बाई चांस कोई होता है ना कभी कभी इमरजेंसी में आ जाए तो घर साफ सुथरा रहे, इसलिए मैं ये सारे काम ना कर लेती हूँ पहले। तो ये है मेरा शेड्यूल, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इस टाइम जो मुझे लाइक कमेंट से ज्यादा जरूरी जो इस टाइम मेरे लिए है ना वो वॉच आवर्स है, तो वॉच टाइम ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप शेयर करोगे तो जो आप जिनको शेयर करोगे वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे, तो जिससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो यही है फिलहाल मेरे टाइम को मैनेज करने का सीक्रेट, तो देखते हैं अगर मैं दोबारा ऐड कर पाई तो ऐड कर गई, नहीं तो मुझे लग रहा है यही ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, और बता ही दिया मैंने कि अभी मुझे और क्या क्या काम करने हैं, जब बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए मैं पराठा बनाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी, उनकी ड्रेस वगैरह धुलने के लिए लगाऊंगी, जो कपड़े होंगे वो कपड़े मैं साफ करूंगी, तो उसके बाद शाम हो जाती है फिर शाम का काम। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, एंजॉय करने वाला तो ऐसा कुछ नहीं था, डेली रूटीन ही था, बट फिर भी अगर आपको 1% भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।